क्या फ्लॉप होने के डर से बंद हुई अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल? बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्शन स्टार अक्षय कुमार की फिल्म खेल खेल में बीते 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और ये फिल्म लोगों को एंटरटेन करने में फेल हो गई। अक्षय कुमार की पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई हैं। हालांकि अक्षय कुमार की पाइपलाइन में और भी कई फिल्में हैं, जिनमें से एक वेलकम टू द जंगल भी है। अब अक्षय कुमार की इस फिल्म को लेकर और भी जानकारियां सामने आई हैं, जो कि फैंस को काफी ज्यादा उदास कर सकती हैं। सोशल मीडिया पर ये बोला जा रहा है कि अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल बंद हो गई है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये सारी बातें क्यों हो रही हैं। खैर, इंडस्ट्री के सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल जब से अनाउंसमेंट में आई थी, तभी से ये चर्चा में बनी हुई थी। फैंस इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसी बीच सोशल मीडिया पर ये बातें फैलने लगी कि अक्षय कुमार की ये फिल्म बंद हो चुकी है। दरअसल फिल्म के अनाउंसमेंट वीडियो को जियो स्टूडियो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से हटा दिया गया और इसके बाद से अटकलें लगाई जाने लगी कि फिल्म वेलकम टू द जंगल बंद हो गई है। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि फिल्म के फ्लॉप होने के डर से मेकर्स ने ये कदम उठाया है और इन अटकलों के बीच मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अहमद खान ने स्टेटमेंट भी जारी किया है। अहमद खान ने कहा है कि इन सब बातों में कोई सच्चाई नहीं है, फिल्म ट्रैक पर है और हम अक्टूबर से फॉरेन में इस फिल्म का शेड्यूल शुरू करने वाले हैं। इसके लिए मेरी टेक्निकल टीम पहले से ही रवाना हो चुकी है। वही फिल्म वेलकम टू द जंगल इस साल क्रिसमस पर रिलीज होगी, लेकिन फिलहाल तो अभी इसकी शूटिंग पूरी हो जाए, इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि ये फिल्म आखिर कब रिलीज होगी।